नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय है हिंदी, जिसमें मैं आपको सच्चिदानंद जी का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो मैं आपको जीवन परिचय बताने वाला हूँ, ये आप अगर लिखेंगे एग्ज़ाम में तो आपको नंबर मिलेंगे। और ये जो तरीका है, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको जल्दी से याद होगा। कोई भी लेखक का जीवन परिचय आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे सारे जितने भी लेखक हैं हिंदी में, 9th, 10th, 11th, 12th, ये क्लास की सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको इसी चैनल पर। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर से ज़रूर देखें। इनका जो नाम है वो है सच्चिदानंद, जैसा कि आपको मैं बताया है, लेकिन इन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जो इनका दूसरा नाम है वो है आज्ञे, यहाँ पर लिखा हुआ है आज्ञे। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ और इनकी जो मृत्यु है 1987 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, तो अब जो मृत्यु है आपको आखिरी में लिखना है, यहाँ पर शुरुआत में लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। वैसे जब आप जीवन परिचय लिख लेते हैं तो आखिरी में हम इनका क्या लिखेंगे, इनकी मृत्यु लिखेंगे, जब इनका हम पूरा जीवन परिचय लिख देंगे। ओके, चलिए आप जानते हैं इनका जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान है कस्या ग्राम, जिला देवरिया, ये इनका हो गया जन्म स्थान। इनके पिता का नाम है हीरानंद शास्त्री, इनकी भाषा है विविध भाषी, और इनका जो काल है प्रयोगवादी काल है रहा है। संपदान, संपादन सैनिक तथा विशाल भारत, ये इनका है संपादन। इनकी रचना है, आपको जरूर से लिखना है कोई भी जीवन परिचय आप लिखते हैं किसी भी लेखक का, क्योंकि रचनाएं के हमें अलग से नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको एक दो जरूर से लिखना है। तो आंगन के पार द्वार, एक बूंद साहसा अहली, मतलब ये दो मैंने आपको रचनाएं बता दी हैं इनकी। अब हम जान लेते हैं हम साहित्य में परिचय। तो परिचय देखिए, मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ, जिस प्रकार ये मैंने आपको बताया है पूरा। ठीक है, इसको आप सारे को एक निमन टाइप में लिख देना, एक दो लाइन में, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, साहित्य परिचय। अब जैसे आता है साहित्य में स्थान, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आज्ञे प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठ करने वाले कवि हैं। तो ये हमारा हो गया है इनका जीवन परिचय, किसका, आज्ञे का, यानी सच्चिदानंद जी का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।